हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी खस्ता करारा टी टाइम हेल्दी और टेस्टी स्नैक, जिसे आप एक महीना भी स्टोर करके खाए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर ये एक महीना तक बच गए तो। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक कप या एक कटोरी मैदा, और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार 1/4 चम्मच नमक। और मैदे में फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, या मैंने अजवाइन का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसमें कस्तूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन को हम इस तरीके से हाथों पे इसे रगड़ के डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा अजवाइन का फ्लेवर आएगा। और ये देखें, यहाँ मैंने अजवाइन को आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल या कुकिंग ऑयल। आप इसे बनाने के लिए ऑयल की जगह घी या वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनके तैयार होता है। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए हल्के हाथों से दबाते हुए अच्छे से मोम को आटे में मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा मोम आटे में अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और इसका इजीली लड्डू बन रहा है। हमें इसी तरीके से मोम को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगाएंगे। मैदे में हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है। एक बार में ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपका डो लूज़ या गीला हो सकता है। और ये देखिए, यहाँ मैंने थोड़े थोड़े पानी डाल करके इसका एक बहुत ही बेहतर हार्ड या मीडियम सॉफ्ट डो लगा करके अच्छे से तैयार कर लिया है। हमें इसे इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक जगह इकट्ठा कर लेना है। और ये देखिए, डो हमारा अच्छी तरीके से, यहाँ मैंने डो को गूंद लिया है या इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया है। और अब हम इस कटोरी या प्लेट से ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे या रेस्ट पे रखेंगे, जिससे डो हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये देखिए, 10 मिनट हो गए हैं। डो को हम एक बार फिर से अच्छी तरीके से गूंदते हुए चिकना कर लेंगे, जिससे हमारा डो सॉफ्ट हो जाएगा। और अब हम डो को इस तरीके से हाथों पे लेकर इसके छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसका 4 लोई बना के तैयार कर लिया है। और अब हम एक चकला लेंगे और अब हम इसके ऊपर एक लोई डालकर इसे हल्के हाथों से इस तरीके से गोल घुमाते हुए इसका एक पेड़ा बना लेंगे। और अब हम इसे हल्के हाथों से बेलते हुए बेलन से इसे बेल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला या थिन नहीं बेलना है। हम इसे इस तरीके से गोल घुमाते हुए चारों तरफ से अच्छे तरीके से हल्के हाथों से बेल लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे अच्छे तरीके से बेल लिया है। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ, ना तो ये पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा। हमें इसे परफेक्ट इसी तरीके से बेलना है। और अब हम एक नाइफ लेंगे और इसे बीच में से 3 टुकड़ों में कट कर लेंगे। और अब हम एक टुकड़े को लेंगे और इस तरीके से हम इसके लंबे लंबे टुकड़ों में छोटे छोटे साइज के कट कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा नाश्ता या स्नैक्स बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम सेम तरीके से बाकी बचे हुए टुकड़े को भी इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। सेम तरीके से हम तीसरे वाले टुकड़े को भी सेम तरीके से कट कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे नाश्ते या स्नैक को अच्छे से कट कर लिया है। और इसे इस तरीके से फैला लेंगे, जिससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं और हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी बनेगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है। और अब हम इसे एक प्लेट में लेंगे। इस तरीके से सारे नाश्ते को हम प्लेट में लेंगे तो हमें इसे बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और सेम तरीके से ही हम एक और नाश्ते को इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल हमारा गर्म हो गया है। हम इसमें एक एक करके सारे हमारे नाश्ते या नमकीन को फ्राई होने के लिए देंगे। इस टाइम पे यहाँ मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है, जिससे नमकीन हमारे अंदर तक सिकेंगे और ये बिल्कुल ही खस्ता और करारे बनेंगे। और हम इसे इस तरीके से हल्के हाथों से फैलाते हुए इसे अच्छी तरीके से
फ्राई होने के लिए रखेंगे, जिससे ये स्नैक या नमकीन हमारे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई होंगे। और हम इसे इस तरीके से बीच में पलट देंगे, जिससे नमक पारे या नमकीन हमारे बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे पलट दिया है और हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे तरीके से पलटते हुए फ्राई होने देंगे। और इसे गोल्डन या सुनहरा कलर होने तक हमें इसे फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा कलर आना स्टार्ट हो गया है। हमें बस इसे मीडियम फ्लेम पे पलटते हुए पकाना है। इसके एक बैच को फ्राई करने के लिए मिनिमम 5 से 7 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से ये ऊपर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही कच्चा रहेगा। तो आप इस छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और ये देखिए, हमारा टी टाइम हेल्दी और टेस्टी घर का स्नैक्स बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। हम इसे 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही बढ़िया सुनहरा कलर आ गया है। इस रेसिपी को आप होली, दिवाली या किसी फेस्टिवल में भी पहले से बना करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं टी टाइम हेल्दी और टेस्टी स्नैक हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्राई हो गया है। और अब हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे और इसका एक्स्ट्रा ऑयल को भी हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। इस तरीके से अगर आप नमकीन या इस तरीके का स्नैक घर पे बना के रखेंगे तो बच्चे हो या बड़े या आपके मेहमान, सभी को बहुत पसंद आएगा। और ये बिल्कुल ही हलवाई स्टाइल लगेगा। आपके मेहमान तो यकीन ही नहीं करेंगे कि ये आपने घर पे बनाया है, सभी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए अब फटाफट से हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इस तरीके का आप स्नैक्स बना करके ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और आप देख सकते हैं हमारा टी टाइम स्नैक्स बहुत ही टेस्टी और खस्ता बन के तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। और मैं आप सभी के साथ मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ।